अच्छा बाबू एक बात बताओ कि हम आज तक हमेशा या हम लोग पढ़ते रहे बचपन से सबस्टांस का क्लासिफिकेशन, किसी ना किसी तरह से सबस्टांस क्लासिफाई होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर भी, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? देखो इलेक्ट्रिसिटी का इसका मतलब समझ लो, समझा देते हैं अच्छे से। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं, तो यहां पर देखो, तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए। इस नाम से इलेक्ट्री और यहां पर सिटी, दो वर्ड बना बना ना बुआ। यस देखो इलेक्ट्री मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। और सिटी का मतलब यहां पर हम अपने मन से लिख देते हैं मूवमेंट, मूवमेंट। सिटी का मतलब शहर होता है, सुना है? सिटी में सब कोई अस्त व्यस्त रहता है, भाग दौड़ की जिंदगी रहती है, तो इसको मूवमेंट किससे कह सकते हैं? गांव के लोग रिलैक्स रहते हैं, ठीक है ना? होगा ये काम करा रहे, होगा, हो जाएगा वहां पर। शहरों में क्या है, ये काम करना है तो भी करना है, ठीक है ना? यानी कि ये जो मूवमेंट है, ये जो हलचल है, उसको हम क्या मूवमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यानी कि अगर बाबू इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम डेफिनेशन लेके, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया, इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ लोगे, ठीक है? तो देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस का किसी ना किसी तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस समय भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ होगा, इसके बारे में जब भी इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो इसको भी हम लोगों ने इसके बेस पर ऑब्जेक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया होगा, किया होगा ना? तो देखो बिल्कुल इस पर भी होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, सबस्टांस आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स और थ्री ग्रुप्स, टू ग्रुप्स, ठीक है? टू ग्रुप्स में कौन कौन सा होगा बुआ? पहला होगा कंडक्टर, कंडक्टर, और दूसरा होगा इंसुलेटर, इंसुलेटर। देखो कंडक्टर और दूसरा हो गया इंसुलेटर। देखो एक तीसरा कैटेगरी भी होता है जिसको कि हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर वो अलग चीज है, उसके बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ना है अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडिंग के नीचे आप लोगों को पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के बारे में, तो उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। देखो कंडक्टर क्या होगा, कंडक्ट का ही मतलब होता है कंडक्ट करना, संचालन करना, ठीक है ना? यानी ये इलेक्ट्रिक ऐसा सबस्टांस होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी कि उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स और प्लस एलोय, एलोय ऑफ मेटल्स, ये सब जो होंगे ये क्या होंगे बाबू? कंडक्टर्स होंगे। क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं, हमने पहले ही बताया, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं, मेटल्स के न्यूक्लियाई अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लूजली होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के चलते वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। देखो अगर हम बात करते हैं मेटल्स और मेटल एलोय की, तो ये जो होगा, ये जो प्योर मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना? और ये जो एलोय होते हैं, एलोय ऑफ मेटल यानी कि मिक्सर ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, मिक्सर ऑफ मेटल्स, तो मिक्सर ऑफ मेटल्स यानी कि जो एलोय होते हैं वो इससे इससे पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना? जो प्योर मेटल होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे, जो एलोय होंगे यानी कि मिक्सर ऑफ मेटल्स होंगे वो प्योर कंडक्टर होंगे इन कंपेरिजन ऑफ मेटल, प्योर मेटल्स, ठीक है, प्योर मेटल्स, ठीक है। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, यानी कि जो कंडक्ट ही ना करे। तो इसके अच्छा इसमें एग्जांपल बताना पड़ेगा, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, सब, ठीक है ना? सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब सब मेटल्स हैं। अगर हम एलॉय की बात करें तो आपको ब्रास हो गया, ठीक है ना? उस तरह से इंसुलेटर,
इंसुलेटर में क्या होता है, करंट पास, इसमें करंट पास नहीं होता है। इसके बारे में आप कह सकते हो द सबस्टांस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स, और इसको आप डिफाइन करोगे द सबस्टांस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि इंसुलेटर्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, और चूंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। बात समझे? इसका एग्जांपल वुड, वुड हो गया, ये क्या कहते हैं प्लास्टिक, एबोनाइट, ग्लास, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी भी टू टाइप्स के होते हैं, अभी हमने बताया ना रगड़ रगड़ के करना, दैट इज, और जो हमारे घरों में बिजली का जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है एक वो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू टाइप का है, पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज सी नॉट ई, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, ये चार्जेज एट रेस्ट, इसमें क्या होगा चार्जेज एट रेस्ट, और यहां पर क्या होगा चार्जेज इन मोशन। बात समझे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब कहोगे कि कैसा इलेक्ट्रिसिटी है, तो देखो जब आपने इसको रब किया था तो चार्ज, इसका चार्ज इसके पास था और इसका चार्ज इसके पास था ना, यहां से ये चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और देखो द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रबिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी दो ऑब्जेक्ट के रब करने से जो चार्ज डेवलप हुआ है वो किस वजह से हुआ है, रब करने की वजह से, इनकी फ्रिक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये समझ गया। देखो हम लोगों का जो लेकिन जो टेंथ क्लास का सिलेबस है, टेंथ क्लास का जो सिलेबस है उसमें हमको जो पढ़ना है बउआ सब, वो जो है वो हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है ना। और ये जिस ब्रांच में पढ़ना होता है बउआ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टेट भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज के इस क्लास में, आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है।